रामचरितमानस की लोकप्रिय चौपाइयों का अर्थ और उससे संबंधित कथा जानने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हमारे संस्कार। जय श्री राम। रामचरितमानस प्रत्येक भारतीय के जीवन का अभिन्न अंग है। रामचरितमानस की चौपाइयां प्रत्येक भारतीय नित्य कहते और सुनते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको रामचरितमानस की चौपाइयों के बारे में बताएंगे। यह चौपाई किसने कही, किससे कही, क्यों कही, इसकी कथा भी विस्तार से समझाएंगे। यदि हमसे कुछ त्रुटि होती हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं। तो आज की चौपाई है परहित लागी तजई जो देही संतत संत प्रसन्न सहिते ही। बालकांड में शिव पार्वती विवाह का वर्णन करते समय तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कामदेव देवताओं के कार्य हेतु भगवान शिव को समाधि से जगाने जा रहे हैं, तब यह चौपाई कामदेव ने अपने मन में विचार कर कही है। शिव पार्वती विवाह के पिछले एपिसोड में हमने सप्त ऋषियों के द्वारा माँ पार्वती की परीक्षा लेने की कथा सुनी थी। शिव पार्वती विवाह के इस एपिसोड में हम भगवान शिव के द्वारा कामदेव को भस्म करने की कथा सुनेंगे। जब भगवान शिव गहरी समाधि में लीन हो गए तो उस समय तारक नाम का एक असुर हुआ था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। तारक अजर अमर था। केवल शिव के पुत्र द्वारा ही उसका वध हो सकता था। उसी समय ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से कहा कि माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए बड़ा तप किया है और भगवान शिव इस समय समाधि में लीन है, इसीलिए ऐसा कुछ उपाय करो जिससे भगवान शिव की समाधि टूट जाए। हे इंद्र, तुम कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने भेजो। जब शिव जी समाधि से जाग जाएंगे तब हम उनको पार्वती से विवाह करके राजी कर लेंगे। तब सब देवताओं ने कामदेव जी का आह्वान किया। विषम 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा धारण करने वाले कामदेव जी प्रकट हुए। तब सब देवताओं ने अपनी सारी व्यथा कामदेव जी से कही। कामदेव ने देवताओं से कहा, वैसे शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम करूंगा, क्योंकि वे दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, ये संसार सदा उनकी प्रशंसा करता है। जैसे महर्षि दधीचि ने अपने शरीर की हड्डियों से वज्र बनाने के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया था। यूं कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ शिव जी की तपस्या भंग करने चला। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। सारे जगत में खलबली मच गई। सब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा। 2 घड़ी तक ऐसा ही तमाशा रहा, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। लेकिन शिव जी को देखकर कामदेव डर गया और फिर ये सारा संसार वैसा का वैसा हो गया।
संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप छह ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव अत्यंत भयभीत हो गया, लेकिन लौट जाने में लज्जा महसूस होती थी और करते कुछ बनता नहीं था। आखिर मरने का निश्चय कर उसने ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। वसंत के आने से नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई, सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगे। कामदेव अपनी सेना सहित करोड़ों प्रकार की कलाएं करके हार गया, लेकिन भगवान शिव जी की अचल समाधि नहीं टिकी। तब आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली पर चढ़कर कामदेव ने अपने पुष्प धनुष से पांच बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिव जी के मन में बहुत ही क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप गए। जब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला तो उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए और योगी निष्कंटक हो गए। जब कामदेव की पत्नी रति ने यह समाचार सुना तो वह रोती चिल्लाती भगवान शिव के पास आई और भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती करते हुए उनके पास खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी असहाय स्त्री को देखकर सांत्वना वाले वचन बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिवजी के इस प्रकार के वचन सुनकर कामदेव की स्त्री रति वहां से चली गई। फिर ब्रह्मा, भगवान विष्णु और समस्त देवता उस स्थान पर आए जहां कृपा के धाम शिवजी विराजमान थे। भगवान शिव ने जब सब देवताओं को देखा तो पूछा, हे देवगणों, आप यहां किस लिए आए हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे शिव, हे नाथ, सब देवताओं के मन में परम उत्साह है, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे नाथ, पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिए वचनों को याद कर शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। ऐसा सुनकर देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा की। उसी समय सप्त ऋषि वहां पर आ गए। भगवान ब्रह्मा ने उनको हिमाचल के घर भेज दिया। शिव पार्वती विवाह के अगले एपिसोड में हम भगवान शिव और पार्वती के विवाह की कथा को पूरे विस्तार से सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।